जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं Realme C3 के ऊपर एक गेम रिव्यू करूंगा, यानी कि गेमिंग का टेस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ 6-7 गेम है, अभी देख लेते हैं ये गेम के अंदर ये यूज हो पाता है कि नहीं। हेल वर्ल्ड 2, स्मैश क्रिकेट और टेम्पल रन, असफल्ट नाइट्रो, सबवे सफर, पबजी मोबाइल लाइट, बीवी रेसिंग 2। तो ये जो 6-7 गेम है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, जबकि इसके अंदर हेलियो G70 प्रोसेसर है। देखते हैं ये कितना वर्क करता है। अभी फिलहाल स्वाइप अप करके देख लेते हैं, 813 MB अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और देखते हैं ये कम बजट फोन के अंदर गेम का कैसे आपको फीचर्स मिलता है। साउंड में ऑफ कर दिया और यहाँ पे आप देखना स्मूथनेस कितना बढ़िया है गेम का, आप यूज कर पाओगे। मैं इसको काफी टाइम से खेलता हूँ मेरे Realme X2 के अंदर। ये इसके अंदर ये तो डमी है, उसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है मेरा। तो ये छोटा सा गेम है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट है, इधर वाला मैं हूँ और दूसरा कोई है। कहीं भी रुकावट नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहाँ पे एक रुकावट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारे की वगैरह अच्छा सा फंक्शन हो रहा है। तो ये सब डिटेल्स अच्छा आप चेक कर लीजिए, बारीकी से आप देख सकते हो, और गेम का ग्राफिक भी बढ़िया है, तो मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है। क्रिकेट, तो इसको भी टैप कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आया है, लेकिन फर्क नहीं है, ये बाद में ऑटोमेटिक ग्राफिक हट जाता है। अभी कोई प्लेयर को सर्च कर रहा है, देख लेते हैं। ये फिलहाल फुल स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वाह, पहला बॉल में 6, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर जो भी छोटा मोटा गेम है सब आप बड़े आसानी से यूज़ कर पाओगे। और भाई 6-7 हज़ार के अंदर फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर कोई हैंगिंग इशू नहीं देखा, और बाकी ठीक ठाक सर रन कर रहा है जो भी कोई गेम मैं खेलता हूँ। सेकेंड में टेम्पल रन, यहाँ पे मैं सारे गेम का जो भी 6-7 गेम है सबको चला के दिखा दूंगा, ताकि आप लोग के अंदर कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्ले कर दिया टेम्पल रन, ये सबसे पुराना है, आप लोग यूज़ किए होंगे और काफ़ी मज़ेदार लगता है ये गेम। मुझे कहीं ये रुकावट नहीं दिखता, मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ ये गेम, और मेरे उस फ़ोन के अंदर भी है, यहाँ पर टक्कर आ गया। चलो, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, खेलते टाइम इधर उधर बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो रुक जाएगा। तो इसके ग्राफिक में कहीं दिक्कत नहीं आया, ना कहीं रुकावट हुआ, चल रहा है बढ़िया। और मुझे ये कम बजट के फ़ोन के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है, फिर भी ये एंटरटेनमेंट का बाप बन चुका है, क्योंकि पतला है, छोटा है, और साथ में इसका क्या कहते हैं, 5000 mAh की बैटरी है, और टिकटॉक वगैरह से लेकर सब कुछ गेमिंग वेमिंग सब आप यूज़ कर पाओगे। बहुत बढ़िया फ़ोन है, तो ये तो फुल टाइम के लिए मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं अपने मतलब यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारा फीचर्स के ऊपर बताना है, और आने वाले टाइम में इसको भी कस्टम रोम में लाना है। तो यहाँ पर ये गेम मैंने खेल लिया, यहाँ तक कोई रुकावट नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकिए। तो यहाँ पे फ्री है, फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है। कभी कभी बिग गेम, जो बड़े बड़े गेम होता है, वो रन नहीं कर पाते, यहाँ पे वापस हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पे सबवे सफ़र भी चल जाता है बढ़िया, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबवे सफ़र देखिए, ये भी ठीक ठाक सा चल रहा है। फिर अब लाते हैं पबजी मोबाइल,
गेमिंग तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और अच्छे से भी कर सकते हैं, ये तो एक ट्रेलर है, आप बड़े आसानी से यूज कर पाओगे। तो ये था कुछ गेमिंग का रिव्यू, कि आप लोग को ये जो गेमिंग रिव्यू कैसा लगा। तो रियलमी C3 का जो गेम टेस्ट था, आपको ठीक लगा कि बुरा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक नए साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।